जबकि सीबीआई ने प्रमाण सहित सारी बातों को सार्वजनिक किया है। तो अगर कोई आरोप है तो उसका जवाब देना चाहिए ना, केवल एक लाइन बोल देने से कि फंसा दिया, दुर्भावना से काम हो रहा है, बदले की भावना से काम हो रहा है। तो लालू जी तो जब जेल गए तो उस समय बिहार में किसकी सरकार थी, वो खुद ही मुख्यमंत्री थे और उस समय केंद्र में कहाँ थी बीजेपी। अगर 20 दल भी हो जाएं एक एक पार्टी वाले तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है। ये आखिर में नरेंद्र मोदी आज देश में उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जनता सब चीज़ों को ध्यान दी है। विधानसभा का चुनाव नहीं, लोकसभा का चुनाव है और कोई भी 10-20 सीट भी जीतने वाला अगर प्रधानमंत्री बन गया तो देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। लेकिन वो दिन लौट कर नहीं आने वाला है और नरेंद्र मोदी ही फिर एक बार 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के कई करीबियों के सुबह से ही सीबीआई की छापेमारी हो रही है। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी। सर, सीबीआई की जो छापेमारी हो रही है उसको लेकर लगातार आरजेडी के नेता तंज कस रहे हैं कि जिस दिन से बिहार में सरकार बदली उसी दिन से पटना में सीबीआई वाले डेरा डाले हुए थे। इसके पहले भी डेरा डाले हुए थे और तेजस्वी ने तो खुद कहा था कि मैं अपने घर में जगह देने के लिए तैयार हूँ। और ये कोई पहली बार छापेमारी थोड़ी हो रही है, 2 महीना पहले भी भोला यादव गिरफ्तार हुए थे, उसके पहले भी रेड हुआ था, उसमें तो भाजपा जदयू की सरकार थी, आज भी जदयू की सरकार है बिहार के अंदर। तो इस छापेमारी का इससे कोई संबंध नहीं है। उनको तो ये जवाब देना चाहिए कि जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में उनका क्या कहना है। आज छापेमारी क्यों हो रही है मुझे पता नहीं, मैं तो केवल टीवी चैनल्स देखकर मैं बोल रहा हूँ। इसका जवाब तो सीबीआई देगी। लेकिन इसके पहले जो छापेमारी हुई थी कि नौकरी के बदले जमीन, उसका जवाब आज तक नहीं दिया, एक शब्द नहीं कहा उसके बारे में, जबकि सीबीआई ने प्रमाण सहित सारी बातों को सार्वजनिक किया है। तो अगर कोई आरोप है तो उसका जवाब देना चाहिए ना, केवल एक लाइन बोल देने से कि फंसा दिया, दुर्भावना से काम हो रहा है, बदले की भावना से काम हो रहा है। तो लालू जी तो जब जेल गए तो उस समय बिहार में किसकी सरकार थी, वो खुद ही मुख्यमंत्री थे और उसमें केंद्र में कहाँ थी बीजेपी, उस समय तो देवगौड़ा थे शायद या गुजराल रहे होंगे। तो आपको तो मनमोहन सिंह भी बचा नहीं पाए, तो अगर पुख्ता सबूत होंगे तो कोई भी सरकार आपको बचा नहीं पाएगी। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का कहना है कि बिहार में सभी दल एकजुट हो रहे हैं, इसीलिए बीजेपी बौखला कर केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। एकजुट होने से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर 20 दल भी हो जाएं एक एक पार्टी वाले तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है। ये आखिर में नरेंद्र मोदी आज देश में उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जनता सब चीज़ों को जानती है। जनता जो है फिर 80 के दशक में इस देश को लौटा के ले जाना नहीं चाहती है। 90 के दशक में जब 30 MP वाले प्रधानमंत्री होते थे और देश के प्रधानमंत्री को कटोरा लेकर जाना पड़ता था IMF के दरवाजे पर ऋण प्राप्त करने के लिए, तो लोग चाहते हैं कि केंद्र में मजबूत सरकार बने। ये विधानसभा का चुनाव नहीं, लोकसभा का चुनाव है और कोई भी 10-20 सीट भी जीतने वाला अगर प्रधानमंत्री बन गया तो देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। लेकिन वो दिन लौट कर नहीं आने वाला है और नरेंद्र मोदी ही फिर एक बार 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक आखिरी सवाल है सर कि बिहार विधानसभा में आज बहुमत परीक्षण होना है, उससे पहले स्पीकर जो अफसर तक थे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन आरजेडी का कहना है कि स्पीकर विजय सिन्हा जो अपने पद पर रहते हुए दुरुपयोग किए उनका। नहीं, उसका जवाब तो देखिए स्पीकर दे चुके हैं, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आज उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया है और देश के संसदीय इतिहास में विजय कुमार सिन्हा जी का स्पीकर के नाते जो भाषण है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, लोग याद रखेंगे, कोट करेंगे उनके भाषण को। इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने 17 मिनट तक सदन को चलाया, सारे क्वेश्चंस का ऑनलाइन जवाब आने लगा, सारी चीज़ें डिजिटल हो गई, पूरे बिहार का दौरा करके उन्होंने जिस प्रकार से सामाजिक मुद्दों का जन जागरण किया है, तो उन्हें एक ऐसी लकीर खींच दी है कि आगे आने वाले किसी स्पीकर के लिए उस लकीर को पार करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं विजय सिन्हा जी को अपनी ओर से व्यक्तिगत तौर पर और बेहतरीन संचालन के लिए और बेहतरीन आज के भाषण के लिए बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा नेता सुशील मोदी, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।